दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और टेक चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक EMI का मोबाइल जो मैंने EMI के वेबसाइट से खरीदा था, ना कि Amazon और ना Flipkart। जो मैंने खरीदा था ये डायरेक्ट EMI की वेबसाइट से खरीदा था और ये जो मोबाइल है मुझे मिला था 6000 रुपीज में मिला था, जो ब्लू डार्ट कंपनी जो है, जो कुरियर की कंपनी है, उससे मुझे आज ही मिला है। जो मैंने बुकिंग किया था दोस्तों, मैंने बुकिंग किया था 24 तारीख को और आज मतलब 29 तारीख को ये मुझे मिला है। तो चलो देखते हैं कि ये मोबाइल कैसा है। तो इसे करते हैं पहले ओपन। ओके, तो ये जो दिवाली की ऑफर थी, तो दिवाली के ऑफर में ही मैंने ये खरीदा था। बस खाली पॉकेट है, इसमें कुछ नहीं। देखिए दिवाली विद EMI इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके साइड में एक मुझे बिलिंग वगैरह और मेरा एड्रेस के साथ, तो ठीक है इसे रखते बाजू में। फिर इसके आपको आप पैकिंग देखेंगे तो बस इसमें एक पॉकेट में मोबाइल डाल के दिया है और ये रेड कलर का एक बॉक्स है हमारे सामने। सिक्स ये रेडमी सिक्स है, मैंने ये लिया था, इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन भी यहाँ पे लिखा है। इसकी पैकिंग देखे तो पैकिंग बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और इसमें जो मिलता है दोस्तों, इसमें 5.45 ये जो डिस्प्ले मिलता है फुल HD और गोल्ड कलर का मैंने मंगवाया था। और इसमें 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। मेड इन इंडिया का यहाँ पे स्टिकर भी लगा है। तो ठीक है अब इसे खोलते और देखते मोबाइल कैसा है, ठीक है। तो और इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसका जो पॉकेट है तो पॉकेट भी काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे पैक करके दिया है। तो इसे पहले निकालते हैं। ठीक है इसको रखते साइड में। और फिर एक बॉक्स है, तो बॉक्स में भी यहाँ पे एक सील लगा हुआ है, तो सील को करते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये लेना रहा तो EMI की जो वेबसाइट है तो वेबसाइट से आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे जब लेना रहा था तो मैंने वेबसाइट देखा था, लेकिन ये जो मोबाइल है डायरेक्ट वेबसाइट पे जो मिलते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो इसका जो स्टॉक है वो मिलता ही नहीं है। तो मैंने ये 24 तारीख को बुक किया था और 24 तारीख को ये 12 बजे इसकी जो बुकिंग है शुरू होने वाली थी। उसके पहले भी मैंने ट्राई किया था लेकिन 10-15 मिनट में लेट हो गया था तो मुझे नहीं मिला था। फिर दूसरी जो डेट उन्होंने दी थी 24 अक्टूबर, तो मैं शार्प वहाँ पे 12 बजे कंप्यूटर पे ओपन करके बैठा और जैसे ही वो शुरू हो गया तो मैंने तुरंत इसे बुक कर लिया और फिर मेरा हो गया। और उसके 5 मिनट बाद मैंने जब देखा तो स्टॉक ख़त्म हो चुका था। तो आपको अगर लेना है तो EMI के वेबसाइट पे जाके आप उसकी डेट देख के शार्प उसी टाइम पे आपको लॉग इन करके बैठना है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं ओपन। काफ़ी अच्छा बॉक्स है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद, ठीक है, तो ये बॉक्स और आपको मिलेगा ये मोबाइल जो सामने से वाइट है और पीछे से गोल्डन। मैंने गोल्डन ही मंगवाया था लेकिन आगे से मुझे ये वाइट मिल रहा है, ठीक है। तो EMI का इस पर टच स्क्रीन वगैरह, स्क्रीन साइज और बैटरी भी आप दिया है, 3000 की बैटरी मिलती है, ठीक है। क्वाड कोर इसका प्रोसेसर है और 18:9 फुल स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका मोबाइल। इसके बाद हम देखते हैं, तो चलो इसके बाद कुछ यूज़र गाइड यहाँ पे दिया है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही है दिया है यहाँ पे। ओके, इसको रखते साइड में। उसके बाद एक और बुक दिया है, तो इसमें कुछ दिया है जो वारंटी कार्ड वगैरह जो है, ठीक है। उसके बाद ये आता है अडेप्टर, ये चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, तो एक अडेप्टर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद एक USB केबल, ठीक है, ये USB केबल उसके साथ एक मिलता है। ओके, और मिलती है एक पिन, ठीक है, ये जो टाइट रहता है यहाँ पे, ये जो पिन है इसके जरिए हम यहाँ से एक स्लॉट हम ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको मेमोरी कार्ड और कार्ड इसमें
डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोबाइल है दोस्तों। चलो हम इसे जरा स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, तो ये हो गया शुरू। ये हमारे लिख क्या आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, शुरू होने में जरा टाइम लगेगा, ठीक है। सर कैमरा वगैरह बहुत अच्छा है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है ये इसका कैमरा। एक मिनट शुरू हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं शुरू होने तक। उसके बाद में दोस्तों बस इतना ही इस बॉक्स में मिलता है, उसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो इंग्लिश सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इंग्लिश। फिर आप कंट्री जो भी है, इसे पहले मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ठीक है, इसको निकाल दिया। फिर उसमें आपको कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि है, फिर नेक्स्ट। थोड़ा सेटिंग हो रहा है, सेटिंग होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो आपको नेटवर्क भी मांग रहा है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ओके, और इसमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, ठीक है। चेक अगेन, इंसर्ट सिम बोल रहा है, तो सिम मैंने नहीं डाला है, तो सिम भी हम बाद में डाल देते हैं। ओके, उसके बाद इसे करना है एक्सेप्ट। जस्ट सेकंड, पासवर्ड बोल रहा है तो पासवर्ड भी मुझे नहीं डालना है, ठीक है। और कुछ सेटिंग है जो मुझे नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है डिफॉल्ट, में डिफॉल्ट ही रख देता हूँ, थीम सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सेटअप कंप्लीट, ओके, इसे ओके करने के बाद ये हो जाएगा शुरू। थोड़ा लोडिंग ऐप जो है, इसके जो ऐप लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। देखते हैं इसमें और क्या है, बाद में मैं आपको इसके जो फोटो है वो भी दिखाने वाला हूँ कि इसके फोटो कैसे निकलते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये नाइट में बना रहा हूँ, उसके कारण आपको जो क्लियरिटी है जरा लो दिखाई दे रही होंगी। ओके, इसका जो स्पीकर मिलता है दोस्तों, पीछे की तरफ स्पीकर है, ओके, यहाँ पे स्पीकर है। कैमरा, फ्लैश और हेडफोन आप ऊपर की तरफ लगा सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग के लिए नीचे से है, और यहाँ पे वॉल्यूम की, ये पावर ऑन ऑफ, और यहाँ पे लगेगा आपके मतलब नैनो सिम, एक नैनो सिम, एक माइक्रो एसडी और नैनो दूसरा सिम, यहाँ पे सिम लगेगा और एसडी कार्ड और एक सिम यहाँ पे लगेगा। इसको लग रहा है थोड़ा टाइम सेटअप होने में, काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग भी अच्छी दी है, और मेरे हाथ में जो हाथ में जैसे फिट होना चाहिए उसी तरह के से होता है, ठीक है। तो सेटअप हो गया कंप्लीट, उसके बाद आप देख पाएंगे, गॉट इट, ओके। तो ये है उसके कुछ फंक्शन, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो ओपन, जिसमें आपको डिफॉल्ट ऐप जो है क्रोम मिलता है, इसमें क्रोम मिलता है, गैलरी और गूगल के जो सारे ऐप है वो भी मिल जाते हैं इसमें। फिर एफएम वगैरह है, यूसी ब्राउजर भी इसमें मिल जाता है, और एमआई स्टोर वगैरह है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मोबाइल आपको मिल जाएगा। फिर उसमें ऐप देखेंगे तो डेली हंट, ओपेरा, फिर फोन पे, फेसबुक, अमेजोन, ये भी ऐप इसमें दिख जाएगी, शिवाय व्हाट्सअप मुझे इसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो फेमस ऐप है, इसमें होना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में। ऊपर का जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस, जहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो, ओके। और उसके बाद यहाँ पे टॉर्च भी दिया है, तो काफी अच्छा टॉर्च है। उसके बाद डाटा, साइलेंट मोड, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और जीपीएस भी यहाँ पे दिया है, ठीक है।
ये जो दोस्तों मोबाइल है ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा और आप भी इसे खरीद सकते हैं, जो मैं नीचे जो वेबसाइट दूंगा EMI की वेबसाइट से। लेकिन ध्यान में रखना कि आपको अगर लेना रहा तो आप उसी टाइम जो टाइम वहाँ पे दिया है उसी तरह से आप शॉप वहाँ पे बैठ के इसे खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो सेटिंग में अबाउट फोन इसके जो देखते हैं वो भी देख लेते हैं। रेडमी रेडमी 6A एंड्रॉयड वर्जन दिया है 8.1, जो शायद अपडेट भी हो जाएगा क्योंकि ये जो नया है तो इसमें अपडेट नहीं किया है। तो रैम 2 GB दिया है यहाँ पे, इंटरनल स्टोरेज जो 16 GB है और 8.43 GB अवेलेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी स्टेटस, बैटरी लेवल और सीरियल नंबर वगैरह इसमें सब दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आ सकूँ। तो आपको अगर ये मोबाइल चाहिए तो मैंने जो वेबसाइट बताई है उससे खरीद सकते हो, या फिर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ये मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।